पुदाना का बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 कप साबुदाने को थोड़े से पानी में भिगो दिया था और 2 से 3 घंटे उसे भीगे रहने दिया। उसके बाद में मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है जिससे कि उसका जितना भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने ये साबुदाने को अच्छे से भिगो लिया है, 2 से 3 घंटे में आराम से भीग जाता है। उसके बाद हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए एकदम अच्छे से स्ट्रेन हो गया ये। साबुदाने के बाद में मैं यहाँ पे 2 आलू लिए हैं, ये उबले हुए आलू हैं, इन्हें इसमें ग्रेट करके डाल दूंगी। आप चाहे तो इन्हें क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो देखिए आलूओं को मैंने दोनों को ग्रेट कर दिया है। उसके बाद में डालेंगे यहाँ पे हरी मिर्च, मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च ले ली है और हरा धनिया। उसके बाद मैं लूँगी ये यहाँ पे मूंगफली का पाउडर, मतलब मैंने मूंगफलियों को थोड़ा सा भून कर उन्हें दरदरा पीस लिया है। इसे हमारे जो बड़ा है काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं तो ये यहाँ पे मैंने 3 चम्मच डाल दिया है। उसके बाद मैं डाल दूँगी मैं ये यहाँ पे नमक, जो सेंधा नमक होता है उसका, और काली मिर्च को मैंने मिला के रखा हुआ है तो वो मिक्सर डाल दूँगी। ये मसाला है इसका, 2 चम्मच डाल दे रही हूँ यहाँ पे। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और एक डो जैसा तैयार कर लेंगे। आलू हैं जो अच्छे से बाइंडिंग दे देते हैं हमारे को। तो देखो ये हमारा एकदम मिक्सर बढ़िया डो जैसा तैयार हो गया है। उसके बाद में अब हम इन्हें शेप देंगे। आप जो भी शेप देना चाहते हो वो शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी लगा लिया है हाथों पे, अब मैंने शेप दूंगी। आप चाहें तो ओवल शेप दे दें, मैं यहाँ पर राउंड शेप दे रही हूँ सिंपल। थोड़ा सा ये बैटर ले लें हाथ में और देखिए इसको इस तरह से करें। उसके बाद कॉर्नर्स को इस तरह से प्रेस कर दें जिससे कि देखने में ईवन लगे। ये तो यहाँ पे हमारे तैयार हो गए। इसी तरह से मैं अपने सारे बड़े तैयार कर लूँगी। देखिए बहुत ही आसानी से इनकी ये शेप में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इतने बड़े हमारे उस डो से तैयार हो गए। अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। ये बड़े को फ्राई करने के लिए 4 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। घी यहाँ पे हमारा मेल्ट हो चुका है और घी गर्म भी है तो इसमें अपने बड़ा रख देंगे जो मैंने बनाए थे। बड़ा मैंने इसमें रख दिया है। आप याद रखें कि आपको ये बड़ा बहुत ही हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है क्योंकि इसमें घी होता है। अगर घी आप हाई फ्लेम पे ज़्यादा सेकते हैं तो वो जलने लगता है। सेकना तो इन्हें मीडियम फ्लेम पे सेकें। लो फ्लेम पे सेकेंगे तो आपके बड़ा टूट जाएंगे, इसलिए आपको मीडियम फ्लेम ही रखना है। मीडियम से हाई फ्लेम पे हमें पूरा प्रोसेस करना है। यहाँ पे 1-1.5 मिनट सेकने के बाद मैंने टर्न करूँगी। ये थोड़ा सा सिक जाए उसके बाद में ही आप टर्न करें। अगर आप इसे कच्चा पलटने लगेंगे तो ये टूटने लगेगा, इसलिए 1-1.5 मिनट आप वेट करें उसके बाद मैंने टर्न कर दें जब ये सिकने लगे थोड़े थोड़े। तो यहाँ पे ये सिक गए एक साइड से, अब मैंने दूसरी साइड से सेक लूँगी। पूरे प्रोसेस में हमें 3 से 4 मिनट लगते हैं इन्हें सेकने में। आप एक तो देखिए यहाँ पर ये दूसरी तरफ से भी सीख गए हैं, लेकिन 1-2 बार मैंने और पलटूंगी जिससे कि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये बड़ा चटनी के साथ में खाने में, दही के साथ खाने में, या चाय के साथ खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इन्हें ग्रीन चटनी, कोकोनट चटनी, किसी भी चीज़ के साथ खाएं बहुत ही अच्छे लगते हैं। बड़ा बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, व्रत के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो यहाँ पर हमारे बड़ा एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं, दोनों तरफ से अच्छे सीख गए। अब मैं इन्हें पेपर टॉवल पर निकाल लूँगी। तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।